हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों अभी अभी देखिए सालू जी क्या कर रही हैं। क्या कर रही हो? गेहूँ धो रही हूँ। अच्छा, गेहूँ धो रही हो। अच्छा, गेहूँ धो के क्या करोगी? अरे भैया बहुत सही। दोस्तों आप देख सकते हैं गेहूँ धोने में कितनी मिट्टी और पानी कितना गंदा हो गया, आप देख सकते हैं। इस ये हाल है गेहूं का। इतना बड़ा गेहूं होता है ये गेहूं है ना। अरे बहुत बड़ा गेहूं पैदा किया। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। ये घर का गेहूं नहीं है, ये खरीदा हुआ गेहूं था। दोस्तों अभी तो घर का गेहूं खेत में ही पड़ा है, अभी पका नहीं है। जब पकेगा तभी कटेगा। तो घर में गेहूं ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो जो खरीदा हुआ गेहूं था वही गेहूं है दोस्तों, और वही धोया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 50 किलो गेहूं मेरे यहां सिर्फ 3 बार धोया जाता है, उसके बाद ख़रीदना पड़ता है। तो 3 बार धोने का मतलब ये हुआ कि महीने में सिर्फ 50 किलो गेहूं चलता है। एक महीने में 3 बार धोया जाता है और 50 किलो गेहूं ख़त्म। एक बार ये धोएंगी 10 दिन चलेगा। तो सोचिए दोस्तों, हम दो ही फैमिली हैं फिर भी ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो 3 बकरियाँ हैं वो भी इसी के बल पे ही चलती हैं, चराने वाला कोई है नहीं दोस्तों। तो इसी का दाना और इसी का आटा सब उन्हें पड़ता है, तो इसलिए ख़त्म होना ही है। तो अब क्या करेंगे, फिर से ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों। ये लास्ट वाला गेहूँ था, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। देखिए कितना गंदा पानी है दोस्तों, देखिए इतना गंदा पानी। असल में क्या होता है ना, जो बेचने वाले होते हैं वो घर का रखा हुआ दाना जो होता है उसे जल्दी नहीं बेचते हैं। लास्ट में बचा खुचा जो होता है, जिसमें मिट्टी हो, धूल हो, मतलब थ्रेसर के नीचे जो गेहूँ फालतू गिरा हुआ रहता है, वो मतलब जितना फालतू फालतू निकलता है, झारा बटोरा हुआ, वो सब उठा के रख लेते हैं। धूल मिट्टी सब वगैरह उसी में रहता है, तो उसी में थोड़ा गेहूं और डाल देंगे, बस हो जाएगा उनका गोरा पूरा। तो वही बेच देते हैं। अब वो बेचेंगे तो ख़रीदने वाले जो दुकानदार होते हैं वो अपने यहाँ लाएँगे, तो उनसे जो ख़रीदेगा वही बेचारा पछताएगा, क्योंकि वहाँ तो बोरा ही तौला जाता है। ये तो है नहीं कि एक एक किलो या दो दो किलो तौला जा रहा है, इसीलिए धूल मिट्टी आएगी। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं। तो क्या करेंगे, लोग ही गलती करेंगे और लोगी को जो है भरपाई भी करना पड़ता है। गलती भी वही करेंगे, वही भी भरपाई करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो लास्ट चल रहा है दाना मेरा। ये देखो दोस्तों, बोरा खाली हो चुका है। तो अब लास्ट हो रहा है, देखो कितना टप निकलेगा। 2 टप होगा कि नहीं होगा? एक टप पूरा भर कोई भी आधे धो हो थोड़ा। अच्छा, मतलब 1.5 टप होगा पूरा धोने के बाद। आप देख सकते हैं 1.5 टप मतलब होगा, जो 15-16 किलो होगा, और कुछ खास नहीं, ज़्यादा नहीं है। इतनी गंदगी निकल रही है, तो गंदगी भी तो अजनाई में आती है, इसलिए गेहूं कम हो जाता है शायद। अब घर का गेहूं होता दोस्तों तो बात ही कुछ और होती, घर का गेहूं है नहीं। अब घर का गेहूं हो जाएगा तो वो थोड़ा अच्छी तरीके से रहेगा, जितना धोएंगे उतना का उतना रह जाएगा, ले जाएंगे पिसाएंगे उतना का उतना ही रहेगा। अब ये जो है आधा इसमें जो है सुकड़ा हुआ रहेगा, आधा मतलब कुछ जो घुन होते हैं गेहूं में वो खा जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे गेहूं मतलब इसमें रहेंगे, तो कहाँ पूरा हो पाएगा। तो पानी पड़ेगा फूल जाएगा, ज़्यादा दिखेगा, उसके बाद जब सूखेगा तो कम हो जाएगा, यही तो है। पर जो घर का गेहूं होता है, जो अपने खेत का गेहूं होता है, वो ऐसा नहीं होता। वो खाने में भी अच्छा होता है और दिखाने में भी अच्छा होता है, सोने की तरह लगेगा। अब हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम भी बेचें, बेचने वालों में से हम हैं नहीं, उल्टा हम खरीद ही लेते हैं।
क्योंकि हमारे पास जो 3 बकरियां हैं उन्हें भी तो खाने के लिए चाहिए, इसलिए हम बेच नहीं सकते। हाँ ये है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ अगर दिक्कतें आ गई हैं तो भेज सकते हैं, इतना कर देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं, यही बात है हमारे अंदर। तो आप देख सकते हैं बकरियों को, पूरा ध्यान इनका गेहूं पर ही है। अब इन्हें देखिए, इनका ध्यान गेहूं पर ही है, सोच रहे हैं मिल जाए तो खा लूं। अभी वो लोग देखो जुटे हैं खाने के लिए, एक खा रहा है तो एक देख रही है, और ये तो भाई अपने ध्यान मग्न में है, अगर छूटने पाएगी तो सोचिए क्या करेगी। तो दोस्तों कितना पानी हो गया इसे धोते हुए, जन 3 बाल्टी धर रहा है ना, कुछ धोने है वो मिस लगा के तो साफ ना हो गया। तो दोस्तों 3 पानी हो चुका है इसे धोते हुए, लेकिन अभी साफ पानी नहीं निकल रहा है, अभी गंदा ही पानी आ रहा है, और पानी भी 2-3 बाल्टी की जो है पानी ख़त्म हो चुकी है। ये देख सकते हैं 2 बाल्टी इधर खाली हो गया, उधर आधा बाल्टी वो भी खाली हो गया है, लेकिन अभी तक साफ़ नहीं हुआ है गेहूँ, जबकि आधा टब गेहूँ है जो अभी इतना समय ले रहा है साफ़ होने में। अब सोचिए जो पछोर देते हैं, बिन लेते हैं, उसके बाद पिसवा देते हैं, तो उसमें कितनी गंदगी होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसीलिए धोया जाता है दोस्तों गेहूँ, और काफ़ी लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि धोते क्यों हैं, सोचते हैं बस बिनो और पछोरो, बस पिसवाओ खाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन यही सब दिक्कतें हैं, वैसे ही खाएंगे तो जो धूल मिट्टी रहती है आटे में मिक्स हो जाती है, और खाने के बाद लीवर में जमती है, तो वो पथरी या और किसी अन्य बीमारियों की दिक्कतें लेके आती है, तब वही परेशानियां बढ़ती हैं दोस्तों। इसलिए गंदगी तो पहले ही दूर करें दोस्तों। अब देखिए चाय छन्नी से छाना जा रहा है, आप लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं चाय छन्नी है, ये रहा चाय छन्नी, अब ये छान रही हैं, देखिए ये देखिए दोस्तों चाय छन्नी, वाह भाई गजब सफाई करा था तू, बहुत पानी नहीं, हम तो कही थोड़े बहुत पानी, 4-5 बाल्टी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पानी हमारे द्वार पे जो है नल वल तो है नहीं, यहाँ थोड़ी दूर तक आप देख सकते हैं इधर खेती है, और इधर कोई नल है नहीं, ये टोटी लगी है लेकिन अभी इसमें पानी आता नहीं है, और इधर सड़क है तो सड़क से जाएंगे उस साइड, फिर उस साइड से वहाँ जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ घूम के जाते हैं, वहाँ है नलका, आप देख सकते हैं वो रहा नलका दोस्तों। तो उस नलके के पास जाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ से ये इस साइड से इधर घूमना पड़ता है, यहाँ से ऐसे जाएंगे, इधर घूमेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ से पानी फिर लेके आएंगे, तब हमारे यहाँ ये काम होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पानी हमें फिर से अब लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी कम पड़ रहा है, गेहूँ लमसम काफ़ी साफ हो चुका है, और अब निकाला जा रहा है टप में से। हाँ इतनी सफाई की जा रही है गेहूं में, इतनी सफाई नहीं की जाएगी तो दिक्कत ही दिक्कत आएंगी। तो अभी 1.5 बाल्टे पानी है और पानी खाली हो गया, पानी फिर से लाना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या होता है। वो पानी तो एकदम गंदा है, वो बहू बहुत सही, हम तो कहीं निर्मम धोबू गेहूँ का का बात क्यों, मतलब निर्मा घोरबू तब वही गेहूँ ना निकरबू, वाह वाह तो बहुत सही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ निर्मा में गेहूँ धोया जाएगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि निरमे और साबुन में गेहूँ धोया जाता है कि नहीं, अब हमें तो नहीं पता है लेकिन ये बोल रही हैं, क्या पता निरमा लगेगा कि नहीं। अरे भाई इसमें कितना निरमा लगेगा, 1 किलो निरमा, अरे 1 किलो निरमा ये लगाएंगी गेहूँ धोने के लिए,
तो 1 किलो निरमा तो अभी होगा नहीं। अच्छा पैकेट पैकेट रखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं विदिशा डिटर्जेंट पाउडर है सुपर वाइट वाला, 1 किलो का निरमा है, आप देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि इसी को घोरना है और इसी में गेहूं डालना है, तो कैसा लगेगा वो गेहूं पिसाने के बाद? अच्छा लगेगा क्या मालूम कैसा लगेगा, यही जानती होंगी, मुझे तो नहीं पता है, पता नहीं है। मैं तो हर बार रहता नहीं हूँ, इसी बार हूँ, इसलिए सोचा है छोटा सा ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे यहाँ गेहूँ कैसे धोया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी तो इसी तरह से धोया जा रहा है, लेकिन अभी बोल रही हैं कि अगर साफ़ नहीं हुआ तो निरमा किसमें, बाल्टी में कि टप में घोरोगी? अच्छा अच्छा बाल्टी में घोल बनाएंगी उसका, उसके बाद टप में गिराएंगी और उसमें जो है गेहूँ डाल के फिर से उसे धोएंगी और तब जाके निकालेंगे। तो उसे फरियाने के लिए तब तो हमें लगता है फिर और पानी लाना पड़ेगा, जाने कितने बाल्टी पानी लाना पड़ जाएगा। अभी एक बार ला कितना बाल्टा पानी लाया था मैं, 2, 3, 2, 5 बाल्टी पानी आया, जिसमें 2 बाल्टा था और 3 बाल्टी छोटी छोटी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ही सब कुछ है, देखिए कुछ छुपा हुआ नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपके सामने ही है। बस आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि निरमा में गेहूँ धोया जाता है कि नहीं धोया जाता है। अब हमें तो पता नहीं है, अब यही बोल रहे हैं, तो आप इनसे ही पूछिए कि क्या ये सही बात है। हाँ तो आप बताइए सही बात है? हाँ सही बात है, धो रही हूँ, अगर नहीं साफ होगा तो फिर निरमे में धोएंगे। अच्छा हाँ, उसके बाद धो के सुखाएंगे तब पिसा के खाएंगे। हाँ निरमा में? हाँ। वाह भाई, ज्यादा गंदगी गेहूँ में। हाँ देखा था गेहूँ, अरे बहुत बड़वार गेहूँ निकालू है। निर्मल लगवाई नहीं करे थे, निर्मल आगे। वाह 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 वाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तो निरमा लगा नहीं है, अब क्या मालूम क्या करेंगे क्या नहीं। बोल रहे हैं कि निरमा लगाना पड़ेगा, 1 किलो निरमा आप सोच सकते हैं कि कितने का आता होगा, तो अब पूरा निरमा इसी में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से निरमा मुझे फिर से निरमा लाना पड़ेगा दोस्तों। अब क्या बताएं हम, गेहूँ बताओ निरमा में धोया जाता है, कौन इन्हें समझाए, सब लोग कपड़े धोते हैं निरमा से और साबुन लगाते हैं, इन्हें तो निरमे लग रहे हैं गेहूँ धोने में दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या पागलपन है दोस्तों। कमेंट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि सही बात है कि गलत बात है, निरमे में धोया जाता है कि नहीं धोया जाता है। अब ये बता रहे हैं नहीं निरमा धोया जाता है। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं जो नीचे का गेहूँ था, अरुक जी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा दोस्तों, ये कैसा गेहूँ है दोस्तों, मुझे भी लग रहा है कि अब निरमा में धोना चाहिए दोस्तों। अब देख सकते हैं ये रहा, ये पिसा के खाने के लायक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों कि गेहूँ धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जब धोया जा रहा है तो कैसा हो रहा है, पानी कैसा हो जा रहा है, नीचे का जो धूल मिट्टी वाला गेहूँ है वो कैसा हो जा रहा है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं एडिटिंग भी नहीं करता हूँ दोस्तों, सब रियल वीडियो मेरा जाता है, कुछ भी एडिटिंग इसमें नहीं करूँगा, ना ही कुछ इसमें कॉपी पेस्ट या कुछ कटिंग करूँगा, सब कुछ रियल जाएगा दोस्तों आपके सामने है, जो भी बोलना है वो भी सब कुछ आपके सामने है, कुछ एडिटिंग नहीं होगा दोस्तों इसमें। डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम होगा, जिसमें दीपक सालू ब्लॉग होगा, और आप उसमें अंदर जाके देख सकते हैं पूरे चैनल में मेरा सब कुछ रियल ही जाता है। तो शॉर्ट वीडियो में जो है वो, अब उसमें तो जो एक्टिंग होती है वो सब कुछ रियल ही है, बस ऑडियो थोड़ा जो है रियल नहीं होता है। तो हम तो गायक तो हैं नहीं, सिंगर हैं नहीं, इसलिए रियल तो जाएगा नहीं, ऑडियो तो भाई जो यूट्यूब से मिलता है वही लिया जाता है, तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सब कुछ रियल ही चल रहा है दोस्तों। इधर देखिए, और हमें तो बार बार जीमेल से कमेंट आता है, यूट्यूब हमें कमेंट मैसेज करता है कि ये दीपक सालू ब्लॉग यू आर वांटेड, मतलब बताता है कि आपका जो शॉर्ट वीडियो चलता है उस पर ऑडियो किसी और का है, वो ऑडियो जिसका है वो अपना ऑडियो हटा देता है तो आपका जो है शॉर्ट वीडियो म्यूट हो जाता है, इसलिए आगे नहीं जाता है। तो हम अब उसके लिए क्या करें दोस्तों, आप ही हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कुछ सजेशन दीजिएगा दोस्तों, हमें तो कुछ पता नहीं है, अब आप बताएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई सिखाने वाला है नहीं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फिर से वही प्रक्रिया चालू है, अभी एक टप गेहूँ तो धो उठा था, अब फिर दूसरा टप जो है चालू है, आप देख सकते हैं फिर से ये क्या हो रहा है दोस्तों। अब ये देखिए ये बोरा हो गया खाली, तो
मतलब दूसरा टब धोया जा रहा है, जब अगर इसे एक में रख दिया जाए पानी से निकाल के गेहूं को, तो कम से कम एक या डेढ़ टब इतना ही गेहूं होगा, वही 12-14 किलो गेहूं, और उससे ज़्यादा गेहूं नहीं है। तो देखिए फिर से वही गंदगी है, इसलिए गेहूं धोना चाहिए। पानी और लावे खोए ना, चल बहुत सही चला। तब एक धोए के बाद वहाँ जो निर्मल धोबू, बहुत सही सबने से धोबू। अरे हम तो सोचते रहे एक एक गेहूँ सबने से धो, बहुत सही। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, जो कुछ हो रहा था सब कुछ आपके सामने था। तो निर्मल साबुन वाली अगर बात आएगी तो ज़रूर दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएंगे। अब हमें तो ये बता रही थी, अब हम अभी कहीं देखे नहीं हैं, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में सही बात है कि नहीं, क्या है क्या गलत है क्या सही है, सब कुछ बताइएगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, हम अब जा रहे हैं अपने खेत में पानी चढ़ाएंगे दोस्तों, गेहूँ भरना है, क्योंकि जो मेरे पाही का जो गेहूँ था सड़क के किनारे, वहाँ जो चालू रोड है वहाँ का गेहूँ जो है दोस्तों वहाँ का फूट चुका है, वहाँ अब तो पानी की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन अब क्या पता, देखो लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन यहाँ अभी गेहूँ फूटा नहीं है और उसमें पानी लगना ही लगना है। तो यहाँ दिक्कत भी नहीं है, पानी मशीन खेत में है, अब दिक्कत नहीं, पहले बहुत दिक्कत होती थी, वहाँ पानी बस खोल देंगे पानी जाएगा, उसे देखना भी नहीं है कि हाँ कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तो सारा खेत अपना ही है। और आरी आरी जो किनारे का डांड़ होता है मेड़ा मोटा मोटा, वो भी जबर है, किसी के खेत में पानी जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो किसी का नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसानदायक कुछ रह ही नहीं गया है, सब खेत खाली हो चुका है, बस मेरा ही फंसा हुआ है जिसमें गेहूँ है सरसों है और चीज़ें हैं, वो सब तो आप शायद ही हर वीडियो में जाता होगा तो आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस सब कुछ हो चुका है आपके सामने, बस आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे।